जनाब अभी हम आ चुके हैं गढ़ा और पूरे गढ़ा क्षेत्र में भी नवरात्रि काफी उत्सव रहता है और देखिए पूरे गढ़ा में रोशनी से जगमगा उठा रही है, माता जी रखी है। और ये देखो भाई चारों तरफ बिल्कुल लाइटिंग दिखाई दे रही है और आपको चलते हैं पूरा गढ़ा रामलीला मैदान के पास लेके चल रहे हैं और दिखाएंगे वो रामलीला का क्या सेटअप है और वहाँ पर क्या माता जी रखी हैं। और अभी आपको सामने चलते हैं और जहाँ पर पिछले बार ना आपको बनाए वो क्या बोलते हैं क्या बना था पिछले बार यहाँ पर केदारनाथ धाम, दोस्तों पिछले बार यहाँ पर ना केदारनाथ धाम बना हुआ था और इस बार यहाँ पर अभी इस बार शायद ऐसा कुछ बनाया नहीं है बट यहाँ की माता जी भी काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पर ही ना वो काली माता है दादा दरबार वाली काली जी जो काफ़ी फेमस हैं। ये देखिए और यहाँ की लाइटें हमेशा हर साल ना बहुत अच्छी रहती है, यहाँ का डेकोरेशन बहुत शानदार रहता है। और ये देखिए अरे भाई ये है दादा दरबार वाली काली जी और हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर मतलब पूरी लाइटें हैं और अभी हम आपको लेकर आ चुके हैं दादा दरबार की महाकाली दिखाने। और दादा दरबार की महाकाली जो है ना जो यहाँ पर ही बनाई जाती है और यहाँ पर पर्टिकुलर बनाई जाती है। ये देखिए अभी आपको पास से दिखा रहे हैं सारी चीज़। दोस्तों ना दादा दरबार के जो काली जी हैं ना इनका एक बहुत ही एक फेमस चीज़ है कि एक और सबसे ख़ास चीज़ ये है ना कि ये काली जी ना कहीं से बनाकर नहीं लाई जाती, यहाँ पर जो घर है ना पीछे यहीं के एक व्यक्ति हैं और ये घर के द्वारा ही काली जी यहाँ पर बनाई जाती यहीं पर बनाई जाती हैं और बकायदा इनकी पूजा वो घर वाले ही करते हैं। और ये चीज़ और है ये काली जी बनाने के लिए वो कोई भी चंदा नहीं लेते, जो इनके घर हैं परिवार हैं उनके लोग ही एकत्रित करते हैं और सारे लोग मिल के काली जी की स्थापना करते हैं। तो दोस्तों काली जी का रौद्र रूप बनाया गया है और दोस्तों आप ये देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में ना काली जी का ना मतलब शांत स्वभाव वाला रूप बनाया जाता है लेकिन अपने यहाँ थोड़ा रौद्र और थोड़ा रौद्र रूप बनाया जाता है। देखते हैं जैसे राक्षस को माता जी हाथ पर लेकर रखी हैं और काफ़ी सारे त्रिशूल भी देखने को यहाँ मिल जाएंगे और ये तो तलवार आप देख रहे हैं ना अभी आगे आपको दिखाएंगे हम काफ़ी बड़े और देखिए सारे कितने सारे हथियार रखे हुए हैं, मतलब कि भगवान भी मतलब जहाँ तक आप विनम्रता से हाथ जोड़ के काम करना चाहें करिए लेकिन जब कभी हथियार उठाने की बारी आए तो उससे पीछे नहीं हटना है अपन को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काली जी का कितना शानदार और खूबसूरत और आप काली जी का मतलब रूप देखिए उनकी आँख देखिए कितनी रौद्र रूप और कितनी मतलब इतनी खतरनाक तरीके से बनाए गए हैं आप देख सकते हैं शांति से। आप काली जी की खाली आँख देखिए कितना खतरनाक और मतलब इतना डरावनी टाइप की हैं थोड़ा। तो देखिए दोस्तों काफ़ी सारे राक्षस के मतलब सर भी यहाँ पर लटकाए गए हैं और ये शंकर भगवान हैं और दोस्तों काली जी का ना शंकर भगवान के ऊपर उनके पैर रख जाते हैं इसीलिए उनकी जीभ निकल के बाहर आ जाती है। और ये देखिए दोस्तों ये तलवार देखिए कितनी बड़ी है, ये वाली तलवार आप देख रहे होंगे ये देखिए दोस्तों ये तलवार ना कितनी बड़ी है काफ़ी मतलब मेरे को लगता है 4 से 5 फीट की तलवार होगी ये वाली। तो आप देख सकते हैं और काफ़ी अच्छा बनाया गया है।